सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर बढ़ सकती है जुर्माने की राशि। लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा पालन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर और सख्ती बरतेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस पर 100 रुपए का चालान रखा गया है। डीजीपी अशोक कुमार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में जुर्माना बढ़ाने का सुझाव आया है। कई वन्य जीवों पर मंडरा रहा संकट। केरल के बाद उत्तराखंड पर सबसे बड़ा खतरा। वन्य जीवों के शिकार के साथ ही उनके प्राकृतिक आवासों में कमी, पर्यावरण में आए बदलाव, आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो रहे शहरीकरण का पूरी दुनिया में जैव विविधता पर विपरीत असर पड़ रहा है। इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। ऑक्सीजन का टैंकर कहां पहुंचा, दफ्तर में बैठे बैठे लग जाएगा पता। कोरोना संक्रमण में जितनी तेजी से ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ी है, उसी हिसाब से इसकी सभी अस्पतालों तक सप्लाई भी बड़ी चुनौती बनी है। इस चुनौती को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सभी ऑक्सीजन टैंकरों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है। सुंदरलाल बहुगुणा को हरिद्वार से मिली थी टिहरी बांध आंदोलन की प्रेरणा। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन जैसा ही बांध विरोधी आंदोलन हरिद्वार में हुआ था। उसी आंदोलन का नेतृत्व महामना मदन मोहन मालवीय ने किया था और वह दुनिया का पहला बांध विरोधी आंदोलन बना। महामना ने तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को झुका दिया था, लेकिन बहुगुना भारी संघर्ष के बावजूद बांध का निर्माण नहीं रोक पाए। हरिद्वार आंदोलन को दस्तावेज के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक प्रस्तुत किया। 1178 लोगों की कोविड-19 जांच की गई। इनमें 118 लोग संक्रमित मिले हैं। संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करने की प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में चोरी। रुद्रपुर में कोविड कर्फ्यू में बंद पड़े बाजार का फायदा उठाकर चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में घुसकर हाथ साफ कर दिया। चोर गोदाम से 1.5 लाख के बिजली के उपकरण लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी अमित कुमार ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पिकअप को बनाया एम्बुलेंस, 40 किलोमीटर तक निशुल्क सेवा। रुद्रपुर में कोरोना काल में काम ठप हुआ तो लोगों की मदद करने के लिए सुरेंद्र सिंघल ने पिकअप को ही एम्बुलेंस बना डाला। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उनके पिकअप में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है। सुल्तानपुर पट्टी में पिछले 3 दिनों से पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। शुक्रवार की सुबह नदी में अचानक तेज बहाव के साथ पानी आने से भगदड़ मच गई। दूसरे गांवों से आई सूचना पर हरकत में आए वाहन चालकों ने जैसे तैसे अपने वाहन बाहर निकाले। किराना की दुकानें खुली, लोगों ने खूब खरीदा सामान। शुक्रवार को किराना और जनरल स्टोर के शटर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहे। दुकान खुलने का समय 2 घंटे बढ़ाने पर किराना स्वामियों के चेहरे खिले दिखाई दिए। इधर सब्जी मंडी और फल मंडी खुलने का समय पूर्व की तरह 7 से 10 बजे तक ही था। इस दौरान सब्जी मंडी में भी ग्राहकों ने खूब खरीदारी की। ग्राम प्रधान को सौंपे 3 ऑक्सीजन सिलेंडर। गुलर भोज के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और समाज सेवी त्रिनाथ विश्वास ने कोरोना संक्रमितों के लिए ग्राम सभा कोपा के ग्राम प्रधान को 3 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। त्रिनाथ ने बताया कि अब तक क्षेत्र की 8 ग्राम सभाओं में ऑक्सीजन सिलेंडर दे चुके हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।